65 से 70% प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई भी टेस्ट करा सकता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज 5 रुपये, HDFC 4 रुपये, ये सारे बड़े बैंक 2-5, 2-5, 10 रुपये होकर के इस तरह से खोल रहे हैं। 1500 शेयर एडवांसेस के साथ क्या ज़बरदस्त एडवांस आया है और सिर्फ 250 शेयर हैं। अब आप देखो 53,000 का आंकड़ा निफ्टी बैंक ने दिखा दिया है, एक नीचे आप चाहें तो दिखा सकते हैं। निफ्टी तो खैर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा ही पहुंचा, 25,500 निफ्टी का फिर से नया शिखर लग गया। लेकिन इसके लिए तरह अभी भी बैंक निफ्टी ने भी 53,000 की उसी दहलीज में एंटर कर दिया जहां इसके पास भी ऑल टाइम हाई लगाने का पूरे चांसेस हैं। तैयार रहिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, आज में बैंक निफ्टी भी आपका ऑल टाइम हाई टेस्ट करवा सकता है। अभी फिलहाल 53,000 की रेंज में आके 300 पॉइंट की बढ़त दिखा के कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी 53,150 पे आ चुके हैं और निफ्टी के फ्यूचर्स 25,500 के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं, जो दोनों में डिस्काउंट था काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ, दोनों ने इंपॉर्टेंट लेवल्स को पा लिया। 7% का विक्स तोड़ने के बाद आज मार्केट ने एक और मैटर क्लियर कर दिया कि ना केवल इस इवेंट को ख़त्म किया बल्कि इस इवेंट से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो मार्केट के अंदर एक साथ डिस्काउंट करवा दी हैं इस बड़े ओपनिंग के साथ ही। तो आज जो 5-6% विक्स टूटा है आगे चल के, ये अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन यही विक्स आगे चल के आपको हल्का परेशान भी करेगा क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलिटिटी नहीं आएगी और मार्केट डल की तरफ बढ़ जाएगा, इवेंट को क्लोज करेगा और डलनेस की तरफ बढ़ेगा और ये इवेंट आज में कम्प्लीट हो गया। 53,095 और 53,100 के लेवल को पार करके इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। दिखाइए जरा 5-6 बड़े शेयर्स इस समय उनकी पोजीशंस क्या है। पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को दिखाइएगा 12 रुपये ऊपर आके, ये अभी भी 2900 और 3000 रुपये की रेंज में ही घूम रहा है और 2940 तक का लेवल है। HDFC बैंक ने आज 1700 पार कर लिया, 1700 से पहले ही HDFC बैंक निफ्टी की और अपनी काफ़ी बड़ी हेल्प कर चुका है। आज 1711-12 का भाव देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि HDFC भी 1700 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। HUL आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे 1/4%, L&T 1/4%, TCS और इन्फोसिस भी एक बार और दिखा दीजिए, मेरे से मिस हो गया देखना, तो TCS इन्फोसिस आज करीब 1-1% ऊपर होने चाहिए। और तो ज़्यादातर शेयर ठीक है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, हाँ बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग जाए ऐसा भी नहीं है, बट बैंक निफ्टी को क्योंकि थोड़ी जल्दी ऑल टाइम हाई टेस्ट करने की इसलिए बैंक निफ्टी कर रहा है। ट्रस्ट मी, कोई बड़ी बात नहीं कि आज में बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई भी टेस्ट कर दे। मैं अभी आपके सामने निफ्टी के टॉप गेनर्स के भी लेके आता हूँ, जरा वो भी नोटिस कीजिएगा, फिर जल्दी हीट मैप भी देखेंगे। NTPC 2-2.5% ऊपर आज खुला है। NTPC एक दो दिन से लगातार बैक टू बैक एक्सपर्ट्स की दी गई कॉल है। LTI माइंडट्री, आज जो IT का पुल बैक है ना वो निफ्टी की हेल्प कर रहा है। 100% पुल बैक तो नहीं है जितना टूटा है, लेकिन 20-30% का रिट्रेसमेंट कल का भी अगर आ जाए तो ये भी काफ़ी हद तक हेल्दी माना जाता है। LTI माइंडट्री कल टूटा था 5% से ज़्यादा, आज सिर्फ 1% की रिकवरी है। दूसरा विप्रो कल टूटा था 3% से ज़्यादा, आज 1% की रिकवरी है, तो सब में 33% जुड़ा हुआ है। TCS कल टूटा था 3%, आज रिकवरी 1% की है। SCL टूटा कल 3%, आज रिकवरी 1% की है। तो 1:3 की रेशियो में रिकवरी आपको IT कंपनीज में मिलेगी जो कि डैमेज रिपेयर का काम करने का आपको दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन अभी भी काफ़ी अच्छा है, 1600 वर्सेस 4 है, कहने का मतलब 1/4 शेयर तेज़ है आज, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ONGC कमज़ोर हुआ, भारतीय एयरटेल कमज़ोर हुआ, श्रीराम फाइनेंस के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग आई है। इसके अलावा जो शेयर आज चले हैं उसमें नौकरी F&O शेयर्स में, जिसको हम इंडिया मार्ट के नाम से जानते हैं, 4.5% ऊपर है। देखते ही शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आपको ध्यान है हमने ब्रेकआउट वाली सीरीज हम बताते थे उसमें हमने ये शेयर आपको नोटिस करवाया था। दूसरा प्रेस्टीज है और तीसरा LTTS है और LTI है, यानी कि LTI माइंडट्री ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और LTTS यानी कि L&T फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एक शेयर है वो भी करीब टेक्नोलॉजी सर्विसेज वो करीब 2% ऊपर है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने साल का हाई टेस्ट किया और यूनाइटेड स्पिरिट्स ने भी आज साल का हाई टेस्ट किया जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। आज हमने खबरों में भी आपको बताया कि आंध्र प्रदेश ने लिकर पॉलिसी को अप्रूवल दिया है। तो ये कुछ एक शेयर्स भी थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही नोटिस करवा दिए। मैं जरा जल्दी से सेक्टोरियल मूवमेंट चाहता हूँ, प्रोड्यूसर साहब फटाफट से दिखाते रहिएगा ताकि हम सेक्टर्स के बाद फिर सीधा मेहमानों के पास चले जाएं ताकि वो आपको शेयर्स भी नोटिस करवा पाएं।
ठीक, तो आज आप बैंक निफ्टी के लिए भी तैयार रहिएगा। बैंक निफ्टी आपकी स्पीड पे नोटिस मैं करवाता रहूँगा आपको, और जैसे ही कोई ट्रेड मिलेगा या कोई अच्छा कुछ दिखेगा मेरे को पॉइंट, तो मैं आपको नोटिस करवाऊँगा। ये निफ्टी बैंक का हीट मैप आप देख पा रहे हैं, क्या ज़बरदस्त तेज़ी, सभी के सभी शेयर इससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग मोमेंटो के साथ चलते हुए। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर 1.5%, सबसे कम बढ़ने वाला शेयर 0.5% है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, साल का जो हाई है वो है 357। आई रिपीट, बैंक निफ्टी का साल का हाई है 53,357 का, और अभी हम आ गए हैं 200 पे, 100-150 पॉइंट ही दूर है। कोई बड़ी बात नहीं, आज ही आज में लग जाए। इसलिए टिकर टीम, आप भी रिकॉर्ड हाई से हम बैंक निफ्टी कितना दूर है एक बार ज़रा डालो, क्योंकि इसके अंदर 357 का हाई और अभी हम 250 पे आ गए हैं, देखते देखते 261 भी आ गया और हम बहुत स्पीड से ऊपर चल रहे हैं। बैंक निफ्टी आज मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर रहेगा और मेरे को लगता है कि ये काम कर जाएगा। एक मिनट के लिए ज़रा हीट मैप हटा दीजिए, एक मिनट के लिए ज़रा हीट मैप हटाइए, और मैं जो शेयर्स बोल रहा हूँ सिर्फ वो शेयर्स दिखाना, और बैंक निफ्टी ज़रा दिखाना स्पीड से। एक मिनट के लिए दिखाइए, सिर्फ 70 पॉइंट दूरी है। बैंक निफ्टी की तैयारी कीजिए आज ऑल टाइम हाई की, 319-350, और अभी थोड़ी देर में आप इसका लेवल्स भी लगता हुआ देखेंगे। मैं अपनी स्क्रीन पर डाल ही देता हूँ, 357 का हाई है, 329 तक आ चुके हैं हम ऑलरेडी। 550 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी क्या ज़बरदस्त मोमेंटो दिखा रहा है। HDFC बैंक करीब 1% ऊपर है और फ्यूचर्स में भी करीब 600 पॉइंट की तेज़ी है। आज का जो हाई टेस्ट हुआ है वह है 353, और हाई कितना है 57 का, सिर्फ 4 पॉइंट से चूके हैं, सिर्फ 4 पॉइंट से। कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट एक ही झटके में उस 4 पॉइंट को वापस भी पा सकता है, बी अवेयर, कोई बड़ी बात नहीं, इसी समय ये आपको लग भी जाए। ठीक है जी, अब मेहमानों के पास चलते हैं और मेरे सहयोगी उनसे ट्रेड लेना शुरू करें। जैसे बैंक निफ्टी आएगा, ढोल नगाड़ों के साथ बैंक निफ्टी का भी स्वागत कीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से बैंक निफ्टी ने भी अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर लिया, वो भी एक ही महीने के अंदर। जिस समय निफ्टी लगा रहा था उस समय बैंक निफ्टी ने भी लगा दिया। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से कॉल लेना शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। तो चलिए, हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लेना शुरू करते हैं उनकी ओपनिंग कॉल्स। और अवनी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए मार्केट खुलने के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र? जैसे मैंने बताया, मैं रेट सेंसिटिव सेक्टर से आज दूर ही रहूंगी, क्योंकि ये बाद में बिकवाली भी हो सकती है। तो मेरा काउंटर अभी ओपनिंग ट्रेड्स में जो नजर आ रहा है वो है UPL, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। इसमें हम खरीदारी कर सकते हैं करंट रेट से 635 और 660, 635 इसका ट्रेडिंग टारगेट रहेगा, 660 थोड़ी लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो 660 का दूसरा टारगेट बनता है, और 590 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो चलिए UPL यहाँ पे लेना है ट्रेड, यहाँ पे है अवनी की नज़र, और इस काउंटर पे नज़र रखिए। अभी फिलहाल जो है 0.5% तक की तेज़ी दिखा रहा है, पर अवनी के ऊपर के टारगेट्स हैं, इसको आप फोकस में रखिए। किरण जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि कहाँ पे आपकी नज़र, हमने आपसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पूछा था, फिलहाल तो डे हाई पे है, यहाँ पे 1.5% की तेज़ी है, इसके अलावा बताइए कोई और अपडेट, और साथ ही फ्रेश कॉल्स कौन सी हैं आपकी? सुबह हमने प्राइवेट बैंक्स के ऊपर जो बात की थी, तो इंडसइंड बैंक इज डूइंग गुड, कहीं ना कहीं JSW स्टील भी अच्छा खुला है, तो दोनों स्टॉक्स तो कंटिन्यू हम करेंगे। एक ओपनिंग ट्रेड की अगर हम बात करें तो मार्केट खुलने के बाद कहीं ना कहीं केमिकल सेक्टर के अंदर हमें लग रहा है कि एक बार ध्यान देना चाहिए। रेन इंडस्ट्री हमने आगे डिस्कस किया था, एक बार जब 175 के आसपास का ब्रेकआउट दे रहा था, उसके बाद स्टॉक 190 तक गया, अब 190 से 3 दिन लगातार हम देख रहे हैं कि लोअर लो बना रहा है। आज हमने देखा है कि गैप अप ओपनिंग हुई है और अभी तक उसने अपने 2-3 दिन का लो ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे आप एक बार ध्यान दे सकते हो। रेन इंडस्ट्री के ऊपर 182-183 के बीच में ट्रेड कर रहा है, करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो, 174 का आप स्विच स्टॉप लॉस रखिए, और नॉट फॉर द ओनली इंट्राडे, लेकिन थोड़े लंबे समय का नजरिया रखिए आप। 205 तक के टारगेट हमें लग रहा है कि रेन इंडस्ट्री में आना चाहिए, डेफिनेटली रेन इंडस्ट्री वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस। इंडस्ट्रीज, यहाँ पे किरण की कॉल आती हुई, प्रशांत अब आपसे भी समझना चाहेंगे, बताइए आपके कॉल्स कहाँ पर हैं? गुड मॉर्निंग सुशी, गुड मॉर्निंग। मुझे बेस्ड ऑन द ओपनिंग बिरला सॉफ्ट अच्छा लग रहा है, बीसॉफ्ट यहाँ पे करीबन 630 के नीचे स्टॉप लॉस, 630 के नीचे रखे में 675, 675 का टारगेट देखता हूँ। ठीक है, तो चलिए हमारे फिलहाल तमाम एक्सपर्ट्स से जो है एक एक ही कॉल आ रही है, अवनी की नज़र है UPL पे, किरण की कॉल आई है रेन इंडस्ट्रीज पे, और साथ ही
आईटी सेक्टर से बिरला सॉफ्ट है प्रशांत के रडार पे, तो अलग अलग सेक्टर्स जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र है, केमिकल और एग्रोकेमिकल थीम जो है वो प्ले करती हुई दिख रही है, हमारे एक्सपर्ट्स इसे ट्रैक कर रहे हैं और साथ ही आईटी में जो रीबाउंड है उस पर भी सिलेक्टिव नज़रिया फिलहाल है। इस बीच अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक जहाँ पे 500 अंकों की तेज़ी दिखा रहा था, अभी 430 अंकों की तेज़ी है, पर कोई बड़ी बात नहीं है अगर यहाँ से वो 100-200 पॉइंट और ऊपर जाए, ऑल टाइम हाई टेस्ट करे जैसा कि डिम्पी भी बता रहे थे। और निफ्टी में जो 170 अंकों की तेज़ी है वो कहीं ना कहीं बरकरार है, ब्रॉडर मार्केट्स भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। पर आज देखिए आईटी का तो अच्छा रीबाउंड हो ही रहा है, साथ ही बजाज फाइनेंस, कल भी हमने देखा था कि स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी थी, आज फिर से लगभग 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। एबी कैपिटल हमने सुबह डिस्कस किया था, अब देखिए 3% की मजबूती यहाँ पे भी कायम है। एसबीआई कार्ड्स भी 3% तेज़ है, पर यूनाइटेड ब्रिवरीज जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी हाईलाइट कर रहे थे और हमने भी आपको खबर बताई, 4% की यहाँ पर अब तेज़ी आ गई है।